अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है और मैं बारामूला कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं इंडियन ऑयल में जॉब कर रहा हूँ। मैं पिछले 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं जम्मू में था तो वहाँ भी पढ़ाता था, और इधर दिल्ली में भी कुछ कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता था जो कश्मीर से मेरे जान पहचान वाले थे। और अभी रिसेंटली जिस तरह से हमारे कश्मीर में हालात हैं, बहुत सारे बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी बच्चा पिछले 1 साल से स्कूल नहीं जा पाया, तो मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पे ही क्लासेस अपलोड करनी पड़ेगी ताकि जो बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं, जो भी लिमिटेड एक्सेस ही 2G से ही है, तो एटलीस्ट वो वहाँ से देख पाए। तो इसी सिलसिले में मैंने अभी अपना यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट कर दिया था। और जब मैंने इसकी अनाउंसमेंट फेसबुक पे कर दी कि मैं यूट्यूब पे क्लास ले आऊँ 12th और CA के इंटर तक के जितने भी स्टेज हैं, वहाँ पे जो भी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है वो मैं कवर करूँगा, उसका सिलेबस कवर करूँगा, और ये सारी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और उसके बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट कर दी कि तुम अकाउंट असिस्टेंट के जॉब्स निकले हैं और उसके लिए भी तुम लेक्चर्स अपलोड करो और उसका मटेरियल हमें अवेलेबल करा दो। और जब मैंने वो अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद ही मेरा 12th का बैच बन गया वहाँ पे कश्मीर का, तो जिनके लिए मैं हर दिन वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली उनके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। बट तो उस सिलसिले में और एक इशू ये था कि अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैं थोड़ा सा डेफर इसलिए भी कर रहा था क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि वो क्या पूछेंगे, तो मैं जस्ट चाह रहा था कि कहीं तो इधर उधर मुझे मटेरियल मिल जाएगा। तो इवेंचुअली एक बुक भी मिली थी जो मैं अभी शेयर करूँगा, इस ग्रुप में भी शेयर करूँगा, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया मुझे क्या पूछा जाएगा। बट वो बुक भी मुझे उतनी इफेक्ट, एटलीस्ट अकाउंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रही, बाकियों के लिए हो सकता है इफेक्ट हो, और वो मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। इकोनॉमिक्स मुझे उसमें से अच्छा लगा, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल गया कि क्या चीज़ है। तो और फ्रेंड्स से भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि तुम जल्दी स्टार्ट करो। और इस सिलसिले में फिर मैंने आज सुबह ही, मतलब कल सुबह, एक सोचा कि चलो ठीक है, मैं ग्रुप तो बना लेता हूँ, देख लेते हैं क्या रहेगा आगे। तो और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया कि विद इन वन डे हमारे 100 से ज़्यादा मेंबर्स आ गए इस ग्रुप में। तो अब इस सिलसिले में क्या मॉडलिटी रहेगा वो मैं जैसा आप लोगों को बता दूंगा। आपका जितना भी सिलेबस है ये 11th 12th का कॉमर्स है, और तब तो 2 साल में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, तो तुम्हारे सिर्फ इसमें 15 टॉपिक्स रखे गए हैं। हालांकि उनमें भी 11th 12th में बहुत टाइम लगता है, बट आप लोगों को उतना डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर टॉपिक के नोट्स बना रहा हूँ, तो हर दिन मैं एक टॉपिक पे के जो भी नोट्स मैं बनाऊँगा उनको इस ग्रुप में डालूँगा। और उन नोट्स की खसूसियत ये रहेगी, एक तो वो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, और उसमें आफ्टर द नोट्स मतलब जो भी कंसेप्ट मैंने कवर किए उसके बाद मैंने कोशिश की है कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे उनको डालूँगा। और साथ साथ में मैं क्या करूँगा, मैं क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जिनको शायद नोट्स पढ़ के ही समझ नहीं आ जाएगा पूरा, मतलब जो एक ब्लू प्रिंट होता है कि एग्जैक्टली क्या है अकाउंटेंसी, शायद उनको उतना अच्छे से समझ नहीं आ जाएगा, या लेजर जर्नल ये सारा चीज़ क्या है। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड ठीक है, वो नोट्स पढ़ के उसको अपना जिस्ट निकल पाएगा क्या चीज़ है, बट अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से उसको उतना समझ नहीं आएगा, तो मैं शॉर्ट वीडियो क्लिप्स 15-20 मिनट की हर टॉपिक के लिए, जिसमें मैं एक तो वो चीज़ें जो नोट में है वो, और उसके बगैर भी एक कोशिश करूँगा कि उनको एक ब्लू प्रिंट तो समझ आ जाए, उसके बाद अगर वो किसी भी बुक से पढ़ ले तो उनको समझ आए, या गूगल भी कर ले तो उनको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है इस टॉपिक में। तो 15 दिन तक इंशाल्लाह हर दिन एक एक टॉपिक पे के नोट्स और उसके वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। मैं कहाँ पे अपलोड हो जाएंगे उस चैनल का मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर देना, और कभी भी वो वीडियोस आ सकती हैं तो उसके लिए आप अपना बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी उसमें आपके नाम से अकाउंट सिस्टम का प्लेलिस्ट बना दिया है, और उसमें 2 वीडियो जो मैंने 11th क्लास के लिए अपलोड कर दी थी कि वो बेसिक्स है, क्योंकि आपका जो पहला है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग टर्म्स, उसके 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी उस अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप लोग वो वीडियोस देख लेना, और उनके नोट्स भी मैं अभी इस पे ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो पहले 2 लेक्चर से तो काम हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे 3 से मैं नोट्स और डे 3 का जो वीडियो होगा वो अपलोड करूँगा। अभी पहले 2 वीडियोस थोड़े से लंबे हैं क्योंकि वो 11th के कंटेक्स्ट में रखे थे, बट स्टिल आपका पहला लेक्चर है, आपको पहला है तो
आपके लिए भी ज़रूरी है कि वो थोड़ा डेप्थ में हो और आहिस्ता आहिस्ता हो, तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगी। हाँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप उनको छोड़ के नोट से ही अपना काम चला सकते हैं, बट अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, आई रिकमेंड कि आप वो वीडियोज़ दो देखो। उसके बाद के वीडियोज़ उतने लंबे नहीं होंगे, वो 15 से 20 मिनट के होंगे, हो जाएंगे। और 1 से 15 दिन के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को भी एक पूरा आइडिया मिलेगा एक्चुअली अकाउंटिंग में क्या करना है हमें। उसके बाद आप लोगों के पास अगर कोई भी बुक हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, अगर आप में से किसी के पास भी पास्ट एग्जामिनेशन पेपर है तो वो मेरे साथ शेयर कर दो, इस ग्रुप में डाल दो, ताकि मुझे भी आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली अकाउंटिंग में क्या पूछेंगे, क्योंकि उसके बाद भी मेरा काम रुक नहीं जाएगा। मैं आपके लिए नोट्स बनाऊँगा और कोशिश करूँगा ऐसे नोट्स बना लूँ जिसमें मैं मतलब उन उन सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को कवर करूँ जहाँ से एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और फिर जाके ऑब्जेक्टिव टाइप बना दूँ। और ये साइकिल चलता रहेगा बराबर जब तक आगे एग्जाम का, वहाँ तक जितना भी मुझे जहाँ से भी मटेरियल मिलेगा, जहाँ से भी मिलेगा क्वेश्चन बन सकता है, वो कोशिश करके आपके लिए ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि मैक्सिमम हेल्प आपको हो जाए और मैक्सिमम आप इसमें स्कोर करो। बस यही एक मैसेज मुझे देनी थी कि क्या मॉडलिटी रहेगी हमारी ग्रुप के लिए, हमारी बैच के लिए क्या मॉडलिटी रहेगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आप, मैं अभी वो PDF शेयर कर रहा हूँ आज के टॉपिक, और लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, आप वो वीडियोज़ देख लेना और नोट्स पढ़ लेना। कुछ भी सजेशंस हो मैसेज कर देना ग्रुप में, और इंशाल्लाह मिलके ये चीज़, इस गोल को अचीव करेंगे। और आप, दुआ करता हूँ आप सब की जॉब लग जाए। अल्लाह हाफिज़।